फर्स्ट फ्लोर वाला, मैंने तो अपने गुड्डू को बोल दिया कि उसके साथ खेलना ही है बाबा। पिंकी तो खेलती है, उसे कोई बीमारी है? बीमारी ही समझ लो, वो उसे कुछ स्कूल होमिंग करा रहे हैं। स्कूल होमिंग? अरे नहीं नहीं होम स्कूलिंग, बर्बाद कर देंगे बच्चे को, उसका फ्यूचर ना कुछ नहीं है, देख लेना। ये किस बला का नाम है? बला ही समझ लो, ये क्या बात हुई बला? बच्चे को घर पे पढ़ाएंगे, बोल सारा दिन बच्चा घर पे रहेगा तो करेगा क्या, और हमारे सर पे जो टांडव करता रहेगा वो अलग, और पूरा दिन जो बच्चों को देखते रहेंगे तो हमारे लिए टाइम कब बचेगा, और बाकी के काम वो कौन करेगा? शीला एक बात बता, ये होम स्कूलिंग पॉसिबल है क्या? करा तो रहे शान के माँ बाप, बताए तो सही तुझे अभी। शीला तू खाली सोच, मैं क्या बोलती हूँ, खाली सोच कि तू अपनी गुड्डू और मैं अपनी पिंकी को होम स्कूलिंग कराए तो सुबह सुबह हमें ये डब्बा नहीं बनाना पड़ेगा, उनके प्रोजेक्ट्स हमें नहीं करने पड़ेंगे, और पीटीए में जाके जो हमें डांट सुननी पड़ती है टीचर जी की, उससे छुटकारा मिल जाएगा, और रिजल्ट के दिन जो हंगामा होता है घर में, और मिस्टर की साइन लेने के लिए जो माथा जी की करनी पड़ती है, सबसे छुटकारा। रहने दे, गुड्डू के पापा नहीं मानेंगे, पिंकी के पापा भी। पिंकी के डांस क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रही। अरे चाय तो पीती जा। ठीक है चल, नेक्स्ट टाइम। In one line, what does homeschooling mean to you? It is the complete freedom to choose what to learn, when to learn, how to learn, where to learn, and with whom to learn. According to me, in one line, homeschooling is a mindset. One line, what does homeschooling mean to you? Homeschooling means lots of freedom and lots of possibilities. So, Shahan, in one line, what does homeschooling mean to you? Homeschooling to me is a long vacation. So that's how our kitchen looks like. These are crazy homeschoolers, Shahan, and they are making up a literally a storm in the kitchen. And homeschooling Mama, thank you for the double role. Oh God, a crazy family.